दोस्तों अब ऊपर आ लिए हैं, नहाना है। सोच रहे थे नहा के आराम कर लेंगे, पापा जी और बबलू भाई तो कहीं काम से जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ कोई सा भी ऊपर नीचे कोई बाथरूम खाली नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों मैं पूरी रात जाग लिया। कल भी की भी रात ऐसी रही। फिर आपने देखा गैल की गैली थोड़ा सा उठते एकदम गन्ने डाले आया, लेकिन दोस्तों इनके काम नहीं निमटते। वहीं थोड़ी सी जगह में झाड़ू लगती रहे, वहीं कुछ ना कुछ थिएटर, मतलब कुछ ना कुछ करके थिएटर करना। तो दोस्तों यही है कि अपना बढ़िया थे, पहले खेत में नहा लेते बुच्चक मार के हद्दी में, ना साबुन की जरूरत ना कुछ। और फिर वहीं अपना कहीं आम उम के तले लौट लेते, रोटी मिली तो मिली, नहीं तो अपना गांडा चूख लिया। सबसे बढ़िया अपना वही था देसी खान पान। अभी इनमें गर्म पानी लाओ, फिर बाथरूम में नहाओ, फिर अजी सिस्टम खराब है। अब दोस्तों मैं नहा के तो निकल लिया हूँ, ये देखे जी नहा तो लिए हैं दोस्तों, दोबारा से कपड़े झाड़ के पहन लिए हैं। और अब जो है कोई कुबोटा की टीम आ गई है वैन लेके, आपको बाहर दिखाता हूँ। कुबोटा की सर्विस वैन है, देखो वो खड़ी है। दोस्तों वैन आपने देख लिया, मैं एक बार ट्रे में पानी लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों मैं तो बड़ा राजी हो रहा था कि अब मैं नहा के फ्रेश होकर कपड़ा ओढ़ के सोऊंगा, मैं दो रात से सोया नहीं हूँ। अब देख लेना आप काम। दोस्तों अब लेकर चल रहे हैं पानी। दोस्तों आ गए हैं नीचे, बाहर तो मुन्नू जो है बैंगन बेच रहा है। और ये देखें जी पूरी टीम आई है इसे चेक करने। देखो जी कितनी बढ़िया इसकी जो है कुबोटा की वो चल रही है सर्विस। बाहर आपने वैन देख ली है, और इसे जो है ये यहाँ खड़े खड़े कोई पूरी तरह चेक कर लेंगे कि कितने घंटे चल लिया, कितनी परफॉर्मेंस दी है इसने, कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है इसमें। और दोस्तों अभी सर्विस होते हुए ट्रैक्टर की एक बहुत ही खास बात पता चली है भैया से। भैया जी नमस्कार, थोड़ा पहले अपना परिचय दें जी इसमें। नमस्कार जी, मैं योगेंद्र पवार जी, एज ए असिस्टेंट मैनेजर सर्विस जी। तो आज हम सोमवीर जी के यहाँ पर आए हैं जी जनरल चेकअप करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अभी हमारा नया ट्रैक्टर लिया है जी। जैसे ही इन्होंने स्टेइंग के लिए, जैसे घर में स्टोर करते हैं ना ट्रैक्टर स्टॉक करते हैं जी, तो उसमें क्या है, जैसे अभी हमने देखा है कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट निकाल रखा है। अच्छा अच्छा, जिससे क्या होगा, ट्रैक्टर निकाला इसलिए है कि बच्चे स्टार्ट ना करें जी जी जी। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें पॉजिटिव ना निकाल के किसी भी ट्रैक्टर में, अच्छा जी, किसी भी ट्रैक्टर में कोई भी ट्रैक्टर हो, बैटरी का टर्मिनल जो निगेटिव होता है माइनस वाला निकालना चाहिए हमेशा ही, हमेशा ही जब स्टेइंग करते हैं जी। अपना रेगुलर चल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी जी। अगर हम स्टोर कर रहे हैं ट्रैक्टर, तो जैसे हमारा खेत में 10 दिन 20 दिन 25 दिन काम नहीं है, नहीं है, तो बच्चों से बचाव के लिए कोई अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट ना करते, उसमें हमें निगेटिव जो टर्मिनल है उसका टर्मिनल हटा देना चाहिए जी। और भैया वेल्डिंग कराते समय, वेल्डिंग कराते समय भी, अच्छा मतलब हमेशा माइनस पॉइंट ही हटाना, हमारे पूरे ट्रैक्टर में, अर्थिंग पूरे ट्रैक्टर में, बिल्कुल सही बात है। जो है केवल उसी पॉइंट पे जहाँ पर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, और बाकी ये पूरे ट्रैक्टर का है, ये पूरे ट्रैक्टर जी जी जी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जी। और भैया थोड़ा सा आप अपना परिचय कराएं जी। मेरा नाम देवेंद्र है। अच्छा जी, मेरे के साथ काम सीखना आया ट्रैक्टर का। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी भैया। नमस्कार जी, मैं राजीव कपोटस है जी, मैकेनिक फोरमैन जी जी। अच्छा, थोड़ी जानकारी बिल्कुल। और भैया नमस्कार जी, आप जी? जी मेरा नाम सोम सैनी है जी। अच्छा जी, मैं मल्याने से हूँ। अच्छा, आप भी कबोटा में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा तेज तो हाथ आपके चल रहे, इन सब की तो नजर ही चल रही नहीं, वो बात तो गौर करने की है ना, बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों एक टीम वर्क होता है, देखो इस ट्रैक्टर की असेंबली को भी अगर आप देख रहे होंगे आगे से पिक्चर तक, ये हर पुर्जा एक जगह नहीं बना है, अलग अलग जगह से बनकर फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब कहीं जाकर मेन चिट लगती है। मेन चिट लगने से पहले भी ट्रैक्टर की बहुत सारी टेस्टिंग होती है, वो आप आज के टाइम में तो आपके पास में फ़ोन है, आप उस पर देखते रहते होंगे, सभी देख लेते हैं। पहले तो खैर बहुत कम आदमियों को पता था। तो ये देखे जी थोड़ी सी देर में ही, अभी पूरा आधा घंटा भी नहीं हुआ, इतने इन्होंने पूरा ट्रैक्टर चेक कर दिया। दोस्तों देखो जी धड़ाधड़ी स्टार्ट हो रहा है ट्रैक्टर। और बाबू जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सर। तो जी अब कहाँ की कॉल है? गाँव तो नहीं पता सर। अच्छा, गाँव साथ में।
अच्छा चलो भी बताऊंगे। ठीक है जी दोस्तों, देखो तक कितना फास्ट काम कर रहे हैं कि हमें एजेंसी वाले जाना भी नहीं पड़ा, ऐसा हो गया। तो दोस्तों आगे यही समय आएगा, आप शौक करते रहिए, आपके शौक को बुलंदियों पर ले जाना इन सभी भाइयों का ही काम है। तो दोस्तों चल दिए हैं सभी भाई। अच्छा जी नमस्कार जी। दोस्तों आने से और सर्विस करने तक और नमस्ते पानी, नमस्ते जी बाय। तो दोस्तों सारा काम निपटाने में कुल आधा घंटा कुल लगा जी। कितनी फास्ट सर्विस है कुबोटा की, कमाल कर दिया। दोस्तों आप भी आ जाओ, चाय ले लो, टिंग टोंग। दोस्तों टीम तो वहां से चली गई यार। देखो ये मुझे कह रहे थे कि तू लौट के सो जाइए, हम इसका ध्यान कर लेंगे गाय का। ये देखो जी ऐसा ध्यान हो रहा, ये वहां से खुल के, ये वहां से अपने जेबड़े में से खुल के यहाँ पड़ा, इसके नीचे गाय जो है इसे बुरी तरह चाट रही है। और दोस्तों फिर डॉक्टर साहब बुलाने पड़ेंगे, यो भी हल्का हल्का सा कांप रहा है। अब बताओ यो बेचैन हो रही, मुझे सकुआ कुछ मैं उठकाया, ऐसे ये ध्यान रख लेंगे, ये कितना बढ़िया ध्यान रख लेंगे। अब बताओ कई बार गाय जो है सूंड ज्यादा, देखो चाट रही है, उसे अच्छा लगता है लेकिन देखो गलत हो रहा है, उसके दर्द भी हो रहा है, उसे हटाता हूँ वहां से, फिर से कपड़े बनेंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे यहीं खाट गेर के लौटना पड़ेगा। ये दोस्तों ऐसे ही ध्यान रखते हैं हमारे घर वाले, सब ये बातों के शेर हैं। दोस्तों आ गई है शाम की चाय, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बीच में जो था दो तीन गांव में स्कूल की बहन जी घूम रही थी, फिर वे आ गई, मम्मी से मिलवाया हूँ ना उनका भी, थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह किया। और दोस्तों इतने ज़्यादा मच्छर लगे मुझे यहाँ गाय के, वहाँ तो मैं लेट नहीं पाया, उधर तो मन नहीं लग रहा था, फिर मैं इधर आया तो दोस्तों यहाँ छोटे 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 पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ गए एकदम से। तो दोस्तों दिन में भी जो है मच्छरदानी लगानी पड़ रही है, अच्छा लग रहा है मच्छरदानी के अंदर बैठ कर, केज ऐसा लगता है जैसे झोंपड़ी घेर रखी हो, केज में हो हम। तो दोस्तों यही है कि अब चलेंगे खेत में, क्योंकि दोस्तों गाय भी आ गई है, तो अब जो है डेली नेपियर का एक बोझ लाना पड़ेगा उसके लिए छोटा सा काट के, क्योंकि दोस्तों वो गोले नहीं खाती बिल्कुल भी, और मम्मी का बर्दाश्त कर रही थी मम्मी बहुत दिन से, अब मम्मी कह रही है कि इसके लिए अगर दूध पीना है तो बिल्कुल चारा ऐसा रखो बिल्कुल फिट फोर बिल्कुल, जो ये पेट भर के चारा खाती रहे, क्योंकि हमारी काली गाय गोले खूब खा जा, उसे एक बाल्टी धोवन डल जा, दिन में एक बाल्टी खल डल जा, लेकिन ये जो है गोले नहीं खाती। तो दोस्तों अगर चाय पीनी है बार बार और शिव शंकर भगवान को भी खुश रखना है और अपनी बॉडी भी बनानी है, चाय इतनी ही मिल जाए, थोड़ा सा मट्ठा पी पीना है दोपहर में, तो गाय का ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो मैं पहले से भी रखता आ रहा था। दोस्तों यहाँ से चलते हैं जी, इस केज में से निकलते हैं और फटाक से एकदम से बुग्गी लेकर चलते हैं और लाते हैं दो बोझ नेपियर काट के, टिंग टोंग। आप भी आ जाओ चाय पी लो, टिंग टोंग। दोस्तों फटाफट उठ लिए हैं, गालियों की बौछार हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इतनी जो है मेरे पास में बचने का कोई रास्ता रहा नहीं। तो दोस्तों अभी ये तो आके खड़ा हो गया था अपनी जगह, अब कुबोटा को स्टार्ट करके वो आज करके चले गए उसकी सर्विस, तो दोस्तों उसे वहाँ से रोटावेटर सही समेत यहाँ खड़ा कर देंगे लगा के, ठीक है। मोटरसाइकिल इस तरफ आ जाया करेंगे दोनों, और ये मांझा टीलर के साथ में तेल लगा के अंदर पहुँचा देंगे इन्हें, और छोटा टीलर फिर यहाँ खड़ा कर देंगे या उधर कर देंगे, तो फिर अपना सब चीज़ एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो लवाराना है वाला है हमारे पास में, एक तो देसी बछिया है छोटी और एक कटड़ा है, तो ये बच्चे दोनों एक यहाँ और एक वहाँ बंधा करेगा अब। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट, फोर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। फोर्ड को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, ये खुलने वाली है, अगर ये खुल गई तो वो ज़्यादा दंगा कर देगी, वो जेवड़े तोड़ सकती है अपने, क्योंकि वो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन वाला वो लगाएगी। तो एक बार इसे कर देते हैं, ये किसी से बनती भी नहीं, बाकी असेंबली हमने बनाई थी, अब इसका गला नहीं घुटा, वो जेवड़ा जो है घूमता रहता है, तो एक बार कर देते हैं। दोस्तों आ गए हैं यहाँ, मम्मी जो है गोले छाट रही हैं, ये इनमें से हरे हरे पत्ते निकाल रही हैं, और बाकी दोस्तों सूखे में कट जाएंगे, क्योंकि अभी गाय को थोड़े दिन सूखा चाहिए। तो दोस्तों चल रहे हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस दिन से ट्रैक्टर सर्विस होकर आया है उसी दिन से ट्रैक्टर
स्टार्टर धुआ नहीं है, उन्होंने मिस्त्री साहब ने कहा था कि पूरे पे डीजल मार के इसे धो देना। दोस्तों अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो जी, ऑल्टरनेटर की वो डलवा दी थी तो स्लो पे बंद हो जाता है। झटके नहीं मारने दूंगा, तो बैक गियर यही है इसका, लो में उतार देंगे। दोस्तों बुग्गी जुड़ गई है और मैं इस पर स्लो करके फराटा इसलिए नहीं लगवा रहा क्योंकि यहाँ जो है सारे में डीजल की महक हो जाएगी, फिर दोस्तों दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मम्मी पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, मम्मी का एकदम धसका हो जाता है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं दूसरे गियर में, लगा लेते हैं, चलते हैं। दोस्तों इस तरफ से इसीलिए आया, देखो जी यहाँ पूरा काम जो है गड़बड़ में हो रहा है। ये देखो जी कॉलोनी में पूरी बाहर आ रही है, एक नया बछड़ा काला सफेद देखने को मिला है और धीरे से इसे यहाँ मोड़ेंगे। राम राम जी, कैसे साइकिल चलानी भूल गया क्या? दोस्तों आ लिए हैं खेत में, सफाई कर लेते हैं बोगी की, टिंग टोंग। और ये देखो जी पेंट फोर्ड से फैजल वाला मेसी कंचा बिल्कुल कंडीशन। अब भाई थोड़ा जल्दी जाने लगा है, नहीं तो कतई बिल्कुल अंधेरे में जा कर रहता। टिंग टोंग, ये देखो किलर झोटा जो है ताजी ताजी गन्नों की बुग्गी ले गया है। एंड दूसरा जमोरा ये जा रहा है, ये सहेंदर भाई का है। और ये देखे जी हाँ गेहूं में कितनी सुंदर बाल है, देखो डॉक्टर साहब अरुण भाई आ गए थे। राम राम जी भैया, देखियो यो है बीज वैसे छटा हुआ, हमारे में तो सतमेजड़ा हो गया और लाए थे हम भी सर्टिफाइड है ना। और देखो जेई में भी कोई मिलावट नहीं, बल्कि आसपास में यो अंकित वाला ही गेहूं मुझे सर्टिफाइड सा लगा है नहीं। पर वैसे यो बता मैं, अगर 6-7 तरह का मिला के बो में तो एक तो पैदावार बढ़े है और एक जो है उसके वे गुण निकल जाए बायबादी वाले, क्योंकि हर बीज में अपना कोई ना कोई गुण है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब कहाँ चल दिया फावड़ा लेके? अच्छा ठीक है जी, ठीक है तो वो कर लियो। पहुंच लिया है जी, बस खाली कर दी है बुग्गी, चल रहे हैं आगे। दोस्तों अब ज्यादा तो सफाई करनी नहीं है, बस थोड़ी सी पल्ली और फावड़ा जरा सा धोना है, बाकी दोस्तों नेपियर काट लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखे जी बबलू भाई ने उधर तो पानी चला दिया था, अब दोस्तों ये साइड भी पानी मांग गई है, कल इसमें पानी चलाएंगे क्योंकि इसे जो है जैसा बासी बीज था 3-3, 4-4 दिन में बोया गया, तो दोस्तों इसमें जो है 2-3 पानी देने पड़ेंगे तब ये धीरे धीरे उगेगा। क्योंकि अभी क्या है मौसम इस तरह का है कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, इसका फ़ायदा गेहूं को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, गन्ने को मिल रहा है, नेपियर को मिल रहा है, देखो नेपियर कितना बढ़िया हो गया। तो दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा ले जाना शुरू करेंगे, मम्मी नाराज हैं तो छोटा सा एक बोझ काट लेते हैं, ज़्यादा तो बासी हो जाता है। ले आते हैं दराती निकाल के, टिंग टोंग।